हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे रैंकिंग चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में, जो है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको तीन या चार क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी तक आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी बच्चों ने हमारे किसी कोई भी बच्चा ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको रैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, तो पहले आप वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, देन आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आएंगे जो मैं आज कराने वाला हूँ। तो मैंने रैंकिंग से रिलेटेड दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। ओके, तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले उन वीडियो को देखना, देन इस वाली वीडियो को देखना, तभी आपको क्वेश्चंस करने में और इजीली समझ में आएंगे, वरना आप हो सकता थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओ। वैसे रैंकिंग ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, पहले करेंगे रैंकिंग से रिलेटेड रैंकिंग के वह क्वेश्चन जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करें। तो वैसे मैं आपको तीन चार क्वेश्चन आज करा दूंगा, ताकि जब मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा रैंकिंग चैप्टर की, जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, तो टेस्ट सीरीज में आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो आज मैं आपको तीन से चार क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप किसी क्वेश्चन में अटको ना, ठीक है, आपको प्रॉब्लम कम आए। और देन आज हम रैंकिंग के सेकंड पार्ट के बारे में भी बात करेंगे जिसका नाम है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चा अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज। अब उसको देखते हैं कंफ्यूजन हो कहां जाता है, तो अब मैं एक बार करा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझसे कहा इन अ रो, यानी एक पंक्ति में, मैंने यहां पे एक पंक्ति बना लेता है इस तरीके से, ये मैंने एक पंक्ति बना ली, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर रो होती है तो ये लेफ्ट और ये राइट हो जाता है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल था, याद होगा आप लोगों को अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है। अगर यहीं पर रो की जगह क्या दे देता, कॉलम दे देता, क्या दे देता, कॉलम। रो की जगह क्या दे देता, कॉलम। तो कॉलम में बस ऐसे हो जाता टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। ठीक है, तो अब टॉप और बॉटम के केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, बस लेफ्ट और राइट की जगह क्या हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन इक्वल टू टोटल। ओके, तो इस बात में कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो रो के ऊपर क्वेश्चन कराए थे लेकिन क्वेश्चन में तो कॉलम दे रखा है या टॉप और बॉटम दे रखा है। तो टॉप या बॉटम आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन में, या फिर कॉलम लिखा आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे रो के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल, उसी प्रकार कॉलम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन इक्वल टू टोटल। ठीक है, सेम ही है, बस बोलने का ये है कि एक जगह हम रो बोलते हैं, एक जगह कॉलम बोलते हैं। ओके, तो कभी कंफ्यूज मत होना। तो अब देखो क्वेश्चन में कहा इन अ रो ऑफ बॉयज, मतलब एक रो में जिसमें कौन बैठे हैं, लड़के बैठे हैं। इफ ए इज 20 फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट से कितना है 20, मान लेते हैं ये ए है हमारा ए, और ए लेफ्ट से कितना है 20 है। ओके, ए लेफ्ट से 20 है। देन एंड बी, बी इज 16 फ्रॉम राइट, बी 16 है कहाँ से, राइट से, मान लेते हैं ये बी है और बी 16 है राइट से। ओके, हो गया इतना। आगे लिखा है इंटरचेंज देयर पोजिशन, बस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, इंटरचेंज देयर पोजिशन, ये वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरचेंज देयर पोजिशन, मतलब आपस में अदला बदली कर ली, आपस में क्या कर ली, अदला बदली कर ली। तो बस करना क्या है, बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, तो अब यहां पे ए की जगह कौन आ जाएगा, ए यहां से हट जाएगा, बी यहां आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपस में अदला बदली कर ली, और यहां कौन आ जाएगा, बी की जगह ए आ गया। अब ध्यान रखना ये ए की न्यू पोजीशन है और ये बी की न्यू पोजीशन है। ओके, ये क्या हो गई, ए की न्यू पोजीशन और ये क्या हो गई, बी की न्यू पोजीशन। अब आगे क्या कहा, इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन, देन मतलब जब उन्होंने पोजीशन चेंज करी तो हुआ क्या, समझ रहे हो, जब उन्होंने आपस में अदला बदली करी तो हुआ क्या। देन, देन ए बिकम्स 30 फ्रॉम लेफ्ट, जब इन्होंने आपस में अदला बदली करी, आपस में इंटरचेंज किया, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई 30। ठीक है, तो ए की पोजीशन देख सकते हो, ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई 30, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई 30, ये दिया है बस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो, मतलब टोटल पूछा है हाउ मैनी बॉयज आर इन द रो, तो हमसे क्या पूछा है, टोटल पूछा है। और मैंने, अब आपको याद होगा, मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज समझाई थी, कहा था बच्चों इसको दिमाग में सेट कर लो कि जब भी एक इंसान की जानकारी, एक सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन आपको लेफ्ट
और राइट दोनों साइड से हो जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल निकाल सकते हो। याद करो, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो को जाके देख सकते हो, वरना जिस तो आपको नॉर्मली याद ही होगा, इतना टफ तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं याद रहना आपको, मैंने क्या कहा था आपसे, जो मैंने रैंकिंग की फर्स्ट क्लास पढ़ाई है, कि जब भी एक इंसान की जानकारी, जब भी सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन दोनों साइड से हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल। तो आप देख सकते हो यहाँ ए, जो ए है, ए की इंफॉर्मेशन लेफ्ट से भी हो गई और ए की इंफॉर्मेशन राइट से भी हो गई। तो ए की जानकारी दोनों साइड से हो गई, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल। तो मैं किसके ऊपर वर्क करूंगा, वर्क करूंगा ए के ऊपर। किसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, ए के ऊपर, सिंगल पर्सन के ऊपर काम कर रहा हूं। तो सिंगल पर्सन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। ये मैंने आपको रैंकिंग की पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है, कि सिंगल पर्सन के ऊपर काम करना है ए के ऊपर, और फॉर्मूला क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। तो अब ए की इंफॉर्मेशन लेफ्ट से कितनी है, 30, राइट से कितनी है, 16, माइनस एक, बार सॉल्व कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 45। तो आंसर क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 45। आई थिंक बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने टोटल फाइंड कर लिया, बस बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस इंटरचेंजिंग वाली बात से, और एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन का। ओके, अब करते हैं इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन, इसमें बस क्वेश्चन कुछ और पूछा है, चलो इसको भी करते हैं हम। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको एक रो दी है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, एक रो में जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ये तो हमेशा लेफ्ट ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट। ओके जी, अब इन्होंने कहा दीपक, दीपक इज 17th फ्रॉम लेफ्ट। दीपक है कोई बंदा, दीपक, दीपक है, लेफ्ट से कितना है, 17th, एंड, अच्छा 17th फ्रॉम लेफ्ट, यहां एंड आना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, यहां एंड मिसिंग है। एंड सोनू इज 32 फ्रॉम राइट, सोनू इज 32 फ्रॉम राइट, ये ले लेते हैं सोनू, सोनू इज 32 फ्रॉम राइट, 32। अब कहा फिर से वही बात, इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज देयर पोजीशन, आपस में क्या कर ली, अदला बदली कर ली। तो यहां पे कौन आ जाएगा, सोनू बाबा आ गए, सोनू, और यहां कौन आ गया, दीपक। अब ध्यान रखना, ये सोनू की कौन सी पोजीशन है, न्यू, ये दीपक की कौन सी पोजीशन है, न्यू, ठीक है, न्यू पोजीशन ऑफ सोनू और न्यू पोजीशन ऑफ दीपक। ओके, अदला बदली करने के बाद अब आगे इन्होंने कहा, देन, जब अदला बदली करी तो हुआ क्या, तो जब अदला बदली करी तो दीपक की पोजीशन 31st फ्रॉम लेफ्ट, दीपक की पोजीशन 31st फ्रॉम लेफ्ट, तो ये दीपक है, दीपक की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई, 31, 31st ही दिया ना, नहीं 37th फ्रॉम लेफ्ट, 37th फ्रॉम लेफ्ट, क्या दिया, 37th फ्रॉम लेफ्ट। ओके, अब इन्होंने कहा फाइंड आउट न्यू पोजीशन ऑफ सोनू, न्यू पोजीशन, सोनू की न्यू पोजीशन पूछ रहा है, न्यू पोजीशन ऑफ सोनू कहां से, राइट से। तो अब सोनू की न्यू पोजीशन यही है, और सोनू की जो न्यू पोजीशन मुझको फाइंड करनी है वो कहां से फाइंड करनी है, राइट से फाइंड करनी है। कहां से फाइंड करनी है सोनू की न्यू पोजीशन मुझको, राइट से फाइंड करनी है। समझ गए होगे इस बात को, सोनू की न्यू पोजीशन कहां से फाइंड करनी है मुझको, राइट से फाइंड करनी है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में भी पहले आपको टोटल ही फाइंड करना होगा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, तो लास्ट क्वेश्चन में तो टोटल ही पूछा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में टोटल नहीं पूछा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोनू की न्यू पोजीशन कहां से पूछी है, राइट से पूछी है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी पहले आपको टोटल ही फाइंड करना है, देन आप क्या निकाल लोगे, सोनू की न्यू पोजीशन। ओके, समझ रहे होगे, तो पहले मुझको क्या फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में, टोटल। तो टोटल में किसकी हेल्प से निकालूंगा, दीपक की हेल्प से। तो पहले मैं जो वर्क करूंगा वो दीपक के ऊपर करूंगा, दीपक सिंगल पर्सन के ऊपर वर्क करूंगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। तो दीपक की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 37, प्लस राइट से कितनी है, 32 माइनस वन, निकाल लो टोटल कितना आएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 36, तो 6 और 2 8, और 3 6, 68 आ गया, कितना आ गया, 68 आ गया। ओके, तो ये क्लियर है, तो टोटल हमने फाइंड कर लिया 68। अब देखो मुझको टोटल पता है 68, ठीक है। तो अब मैं सोनू की पोजीशन, न्यू पोजीशन निकाल सकता हूँ राइट से। कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि सोनू की पोजीशन लेफ्ट से मुझको पता है, टोटल मुझको पता है, अब सोनू की न्यू पोजीशन राइट से मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो अब मैं किसके ऊपर वर्क करूंगा, सोनू के ऊपर,
किसके ऊपर वर्क करूंगा, सोनू के ऊपर। फॉर्मूला क्या रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। अब सोनू की पोजीशन लेफ्ट से आपको पता है 17th है, कितनी है 17th। राइट से हमको फाइंड करनी है माइनस वन, और टोटल हम अभी निकाल चुके हैं 68। टोटल कितना निकाल चुके हैं 68। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहां पे आ जाएगा 16th प्लस राइट इक्वल टू 68। तो राइट से वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट से वैल्यू आ जाएगी 68 माइनस 16। क्या आ जाएगी, 68 माइनस 16, ये आ जाएगा 68 माइनस 16। तो अब आप सॉल्व करो और राइट से पोजीशन फाइंड कर लो कितनी आई। तो 68 में से मुझे कितना घटाना है 16, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 52। तो सोनू की न्यू पोजीशन राइट से कितनी आ गई 52, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये थे हमारे अभी तक के दो क्वेश्चन, अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेना भाई, देखो कभी कभी क्या होता है ये बात ध्यान रखना, कभी कभी कैलकुलेशन गलती हो जाती है, ठीक है। वैसे तो मैंने सही किया है, 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 में से 1 जाएगा तो 5, ओके। तो भी ध्यान रखना, कभी कभी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, ओके। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखना, क्योंकि इनमें भी बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चा गलती करके आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा इन अ क्लास, ध्यान रखना जब भी आपसे क्लास की बात बोले, क्या बोले क्लास, तो क्लास में आप हमेशा रो लेके चलना, सॉरी क्लास में आप हमेशा क्या लेके चलना, कॉलम लेके चलना, इस तरीके से कॉलम। तो कॉलम में ये क्या रहता है टॉप, और ये क्या रहता है बॉटम, ओके। आई थिंक इतना तो क्लियर होगा। तो ध्यान रखना जब भी क्लास की बात हो, क्लास की बात हो, ठीक है, क्लास में रैंक की बात हो, तो आप टॉप और बॉटम मतलब कॉलम लेके रहना, मतलब कॉलम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इन्होंने कहा इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, अब इसका मतलब इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 60 हैं, ओके। वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियां लड़कों की दुगनी हैं, लड़कियां क्या हैं लड़कों की दुगनी। तो अगर मैं बॉयज मान लेता हूं x, बॉयज कितने मान लेता हूं यहां पे इस क्वेश्चन में, अगर मैंने बॉयज को माना x, बॉयज इक्वल टू x, तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 2x। क्यों हो गई 2x, क्योंकि इन्होंने कहा वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, लड़कियां लड़कों से दुगनी है। अब इन्होंने कहा तो पहले तो देखो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो टोटल बच्चे लड़का लड़की को मिला के होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्लास के टोटल बच्चे आ जाएंगे, तो बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। तो हमारे बॉयज़ कितने हैं x और गर्ल्स कितनी है 2x, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं 60। तो इसका मतलब क्या हो गया 3x, 3x इसके बराबर हुआ 60 के बराबर हो गया, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/3, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू आ गई 20। तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 20, और बॉयज़ कितने x, तो बॉयज़ x हैं, तो इसका मतलब बॉयज़ कितने हो गए 20 हो गए। अब x की जगह जब मैं 20 पुट करूंगा तो 2×20 हो जाएगा, 2×20, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी हो गई 40, ओके, समझ गए हो गया। टोटल बच्चे कितने 60, जिसमें लड़कियां लड़के हैं 20 और लड़कियां हैं 40। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब कहा सोनम अ गर्ल, इन्होंने कहा सोनम जो कि एक लड़की है, क्या कहा है सोनम जो कि एक लड़की है, सोनम अ गर्ल रैंक्ड रैंक्ड 14th फ्रॉम द टॉप, 14th फ्रॉम द टॉप, मतलब सोनम जो कि एक लड़की है उसका स्थान ऊपर से 14th है। तो टॉप से सोनम का स्थान कितना है, अगर मैं टॉप से बात करूं तो ये है सोनम, ठीक है सोनम, और सोनम का स्थान टॉप से कितना है 14th है, ठीक है, ये मुझको मेंशन है क्वेश्चन में कि सोनम का स्थान ऊपर से कितना है 14 है। अब इन्होंने कहा इफ देयर आर 7 गर्ल्स अहेड, बस बच्चा इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाता है, ये जो वर्ड है अहेड, इस वर्ड में बच्चा क्या हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको ध्यान से समझना। इन्होंने कहा इफ देयर आर 7 गर्ल्स अहेड ऑफ सोनम, सोनम से आगे कितनी लड़कियां हैं 7 लड़कियां हैं, अहेड मतलब आगे, अहेड का मतलब हिंदी में क्या होता है आगे, ओके। तो सोनम से आगे कितनी लड़कियां हैं 7 लड़कियां हैं, अब सोनम से आगे 7 लड़कियां हैं, तो बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं 7 लड़कियां यहां ले लेते हैं कि सोनम के आगे कितनी लड़कियां हैं 7 लड़कियां हैं, ये हो जाता है गलत,
क्योंकि बच्चे को लगता है सोनम से आगे, तो सोनम से आगे इधर बना देते हैं, जो कि क्या हो जाता है गलत। ध्यान रखना, आपने सोनम से आगे अगर ऐसे ले लिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया वो ध्यान से समझना। इन्होंने कहा सोनम से आगे 7 लड़कियां हैं। अब देखो ये क्लास की बात हो रही है, और क्लास में किसकी बात हो रही है, रैंक की बात हो रही है। अब जो सोनम का रैंक ऊपर से 14th है, ओके, अब क्वेश्चन में कहा सोनम से आगे हैं 7 लड़कियां, आगे हैं तो उससे अच्छे नंबर लाई होंगी, अच्छे नंबर लाई हैं तभी तो आगे हैं, तो अच्छे नंबर लाई हैं सोनम से आगे हैं तो मतलब उनकी रैंक भी तो अच्छी होगी। अगर आप 14 से आगे इधर ले लोगे तो रैंक हो जाएगी 15, 16, 17, मतलब सोनम से बेकार नंबर हो गए। जब सोनम से आगे हैं तो वो ऊपर आएंगी, मतलब उनकी रैंक क्या होगी, सोनम से कम होगी। समझ रहे हो इस बात को? तो ध्यान रखना, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है, कोई मान लो कोई बच्चा आया अपना रिजल्ट लेके आया, तो पापा ने पूछा बेटा कौन सी रैंक आई है, तो बेटा ने कहा पापा 14th आई है, तो कहा अच्छा गांव की कितनी लड़कियां तो उससे आगे हैं, उसने कहा 7 लड़कियां आगे हैं, तो वो 7 लड़कियां सोनम से अच्छी रैंक लाई होंगी ना, तभी तो आगे हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखना, यहाँ बच्चा जो कन्फ्यूज़ होता है वो अहेड वर्ड में कन्फ्यूज़ हो जाता है, अहेड, अहेड का मतलब आगे, और वो आगे इस तरीके से ले लेता है जो हो जाता है गलत, क्योंकि ये रैंक की बात हो रही है। जब वो 7 लड़कियां सोनम से आगे हैं तो सोनम से अच्छे नंबर लाई होंगी, अच्छे नंबर लाई होंगी तो वो सोनम से ऊपर आएंगी रैंक में, रैंक में क्या आएंगी, सोनम से ऊपर आएंगी। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना सोनम से आगे हैं, सोनम से आगे मतलब सोनम से अच्छे नंबर लाई हैं, जब सोनम से अच्छे नंबर लाई हैं तो उनकी रैंक सोनम से अच्छी होगी। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ऊपर कितनी गर्ल हैं, सोनम से ऊपर कितनी गर्ल हैं, 7 गर्ल्स हैं जो सोनम से ऊपर हैं, ठीक है, मतलब जो सोनम से अच्छे नंबर लाई हैं। तो वैसे सोनम की रैंक कितनी है, 14th है, और सोनम से आगे कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां सोनम से आगे हैं, मतलब सोनम से ऊपर आएंगी। ओके, देन आगे क्या कहा, बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही वाला वर्ड समझना है, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हर इन द रैंक, सोनम से बाद में कितने लड़के होंगे रैंक में, सोनम से पीछे कितने लड़के होंगे रैंक में। ओके, तो मतलब यहां पे कितने बॉयज आएंगे सोनम से बाद में, वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है ये बात? तो क्या पूछा है, सोनम से बाद में कितने लड़के आएंगे रैंक में। तो अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पता है यहां से यहां तक टोटल बच्चे कितने हुए, 14th हुए, क्योंकि सोनम की रैंक कितनी है यहां पर, 14th है यहां तक, तो यहां से यहां तक टोटल बच्चे कितने हुए, 14th, यहां तक कितने बच्चे हो गए, टोटल 14 बच्चे हो गए, 14 में से लड़कियां कितनी है, यहां से यहां तक टोटल बच्चे कितने, 14 में से लड़कियां कितनी है, तो ध्यान रखना यहां तक लड़कियां हैं 8, पर बच्चे क्या ले लेते हैं, 7। क्यों, देखो 8 क्यों है, 7 लड़कियां तो सोनम से आगे हैं और सोनम खुद क्या है, एक लड़की है, तो यहां से यहां तक टोटल बच्चे कितने हैं, 14, और 14 में से लड़कियां कितनी हो गई, 8। क्यों हो गई, फिर से सुनो कि यहां तक सोनम से आगे कितनी लड़कियां हैं, 7, 7 लड़कियां सोनम से आगे हैं और सोनम खुद भी क्या है, एक लड़की है, तो 7 और 1 सोनम कितनी हो गई, 8 लड़कियां हो गई। तो ध्यान रखना यहां से यहां तक 14 टोटल बच्चे कितने, 14, यहां से यहां तक टोटल बच्चे कितने, 14, 14 में से लड़कियां कितनी है, 8, 7 ये और 1 सोनम, तो हमने माइनस करा तो 14 में से जब 8 आएगा तो कितना बचता है, 6, ठीक है, कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये 6 क्या हो गए, क्योंकि ये तो गर्ल्स हैं, तो ये 6 क्या हो गए, बॉयज, तो सोनम से आगे कितने लड़के हो गए, 6 बॉयज हो गए, 6 बॉयज क्या है, सोनम से आगे हैं, सोनम से आगे, अगर यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता कि सोनम से आगे कितने लड़के हैं तो आंसर आता 6 बॉयज। क्लियर है? तो सोनम से आगे कितनी लड़कियां हैं, 7, सोनम से आगे लड़के कितने हैं, 6, पर क्वेश्चन पूछा है सोनम से बाद में कितने लड़के आएंगे, सोनम से पीछे कितने लड़के हैं, ठीक है, तो टोटल बॉयज आपको पता है कितने हैं, 20, टोटल बॉयज कितने हैं, 20, 20 में से 6 लड़के तो सोनम से आगे हैं तो बाकी क्या होंगे, पीछे, तो 20 में से मैं कितना घटा दूंगा, 6, क्योंकि टोटल बॉयज कितने हैं, 20, टोटल बॉयज हैं 20, तो 20 में से 6 घटा दिया जो लड़के सोनम से आगे थे, तो कितने लड़के सोनम से पीछे हुए, 14, यही क्या हो गया मेरा आंसर। आई होप क्लियर होगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया, कितने लड़के पीछे हैं, 14 लड़के पीछे हैं सोनम से, तो मेरा आंसर हो गया 14, ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इन अ क्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ध्यान से देखना। हमसे कहा इन अ क्लास, मैंने कहा था क्लास की बात हो तो आप कॉलम बना लेना, इस तरीके से हमने कॉलम बना लिया, ठीक है, ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम, ओके। अब इन अ क्लास, इन्हों का अमंग द पास स्टूडेंट सोना इज, सोना इज 18th फ्रॉम द टॉप, कोई लड़की है सोना, अब सोना जो है वो 18th है टॉप से कितनी है 18th, एंड सपना हु इज 5 rank below, अब यहां क्या कहा है 5 rank below, मतलब सोना से 5 rank नीचे है, समझ रहे हो, यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है 5 rank below, ठीक है, हु इज 5 rank below, मतलब सोना से 5 rank नीचे है, तो सोना से 5 rank नीचे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां कौन आ गई, सपना आ गई। अब सपना का स्थान ऊपर से फिर कितना हो गया 18 में 5 जोड़ दो, तो 18 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो सपना का स्थान कितना हो गया 23, क्लियर है। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है 5 rank below मतलब नीचे, 5 rank below सोना, ठीक है, एंड मतलब कॉमा, हु इज 5 rank below सोना इज 29th फ्रॉम द बॉटम, और जो सपना है वो 29 कहां से है, बॉटम से, समझ लो, पूरी लाइन पढ़ो, सपना हु इज 5 rank below सोना इज 29th फ्रॉम द बॉटम, मतलब सपना जो है 29 है कहां से, बॉटम से, तो सपना 29 कहां से हो गई, बॉटम से हो गई, बॉटम से कितनी हो गई 29, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, क्या पूछा है, फाइंड आउट टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, तो टोटल निकालना है, तो हम देख सकते हैं सपना की जानकारी, सपना की इंफॉर्मेशन ऊपर से भी हो गई और सपना की इंफॉर्मेशन नीचे से भी हो गई, तो सपना के लिए मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, क्या, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 = टोटल, ठीक है, तो अब टॉप से कितनी है 23, बॉटम से कितनी है 29, माइनस 1 कर दो तो बताओ टोटल कितना आ जाएगा, तो अगर मैं 23 में माइनस 1 कर दूंगा तो यार 28 रह जाएगा, 28 ऐड कर दूं तो 8 और 3 क्या होता है 11 और फिर 1 51, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 51। अब बच्चा इसको आंसर लगाएगा 51, ऑप्शन दिए मेरे को 51 50 49, कैन नॉट डिटरमाइन, और क्वेश्चन में पूछा टोटल स्टूडेंट, बच्चा खुशी खुशी आंसर लगाएगा 51, जो कि हो गया गलत, क्यों हो गया गलत, ध्यान से समझना, इन्होंने कहा था अमंग द पास्ट स्टूडेंट, अमंग द पास्ट स्टूडेंट मतलब क्लास के जो पास बच्चे हुए हैं ये उनकी इंफॉर्मेशन थी, क्लास में जो बच्चे क्या हुए हैं पास हुए हैं ये केवल उनकी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, तो ये जो टोटल निकला, ये क्या निकला, टोटल पास स्टूडेंट निकला है, टोटल पास स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन क्लास में इसमें क्वेश्चन क्या था, टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, क्वेश्चन क्या था, टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, लेकिन ये जो निकला है टोटल वो केवल किसका निकला है, जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे क्लास में पास हुए हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा था अमंग द पास्ड स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे पास हुए हैं केवल उनकी बात हुई है यहां पे, तो ध्यान रखना इन्होंने पूछा टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, तो जब भी किसी एग्जाम की बात हो और मुझे टोटल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, टोटल, तो टोटल किसके बराबर होता है, पास स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट प्लस पास स्टूडेंट हो गए प्लस फेल, प्लस फेल, ठीक है। अब यहां पे तीसरा और होता है, अगर दिया हो तो पास स्टूडेंट प्लस फेल प्लस एब्सेंट, जो बच्चे एग्जाम में आए ही नहीं, एब्सेंट, तो ध्यान रखना इन तीन तरह के बच्चों को मिला के क्या निकलता है, टोटल निकलता है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, अब देखो यहां पे हमें टोटल पास स्टूडेंट तो पता चल गया, पता चल गया, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि फेल कितने हुए, एब्सेंट कितने हुए, तो मेरा आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा अक्सर जल्दबाजी में गलती कर देता है, उसे क्या लगता है उसने टोटल फाइंड कर लिया, क्या लगता है उसने टोटल फाइंड कर लिया, पर ये तो टोटल पास बच्चे हैं, जो बच्चे पास हुए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, तो जब टोटल स्टूडेंट पूछा जाए, जब किसकी बात हो रही हो, किसी एग्जाम की बात हो रही हो, किसी एग्जाम की बात हो रही हो, तो टोटल स्टूडेंट किसके बराबर होता है, पास स्टूडेंट प्लस फेल स्टूडेंट प्लस एब्सेंट, जो एग्जाम में आए नहीं, इन तीनों को मिला के क्या निकलता है, टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये अपियर कर दे, क्वेश्चन में क्या लिख दे कि ऑल स्टूडेंट अपियर इन द एग्जाम, क्या लिख दे, ऑल स्टूडेंट अपियर इन द एग्जाम, अगर एग्जाम में ऐसे मेंशन कर दे ऑल स्टूडेंट्स अपियर
इन एग्जाम, अगर ये लाइन लिख दे ऑल स्टूडेंट अपियर इन एग्जाम, तो इस केस में जो टोटल स्टूडेंट निकलते हैं वो क्या निकलेंगे, टोटल स्टूडेंट इस केस में क्या आएंगे, पास प्लस फेल, पास प्लस फेल, बस जो बच्चे पास हुए वो और जो बच्चे फेल हुए, तो क्या निकल आएगा, टोटल स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसने कहा सारे बच्चों ने एग्जाम में हिस्सा लिया, टोटल बच्चे क्या हुए, एग्जाम में अपियर हुए, तो सारे बच्चों ने जब एग्जाम में हिस्सा लिया तो अब दो ही तरह के बच्चे होंगे, पास और फेल, और वो किसके बराबर होंगे, टोटल स्टूडेंट। लेकिन अगर ये ना दिया हो कि ऑल स्टूडेंट अपियर इन एग्जाम, ये लाइन ना दी हो, तो ध्यान रखना पास बच्चे, फेल बच्चे प्लस एब्सेंट बच्चे, तीनों को मिला के क्या निकलता है, टोटल। तो ध्यान रखना ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो इसमें जो टोटल हमने फाइंड किया वो केवल किसका फाइंड हुआ है, टोटल पास बच्चों का फाइंड हुआ है, तो क्लास के टोटल नहीं निकले, ध्यान रखना क्लास के टोटल बच्चे नहीं निकले, केवल क्या निकला, जो टोटल बच्चे पास हुए, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे, ये तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए जिसमें बच्चा अक्सर एग्जाम में गलती कर देता है। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो हमारे ऑर्डर सीक्वेंस कह दो या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा रैंकिंग का, क्या नाम है उसका, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैंने आपको कहा ना रैंकिंग का सेकंड टाइप, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। ध्यान रखना कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी पढ़ाने का नहीं है जी, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपको भी कंफर्म हो जाएगा हाँ सर इसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना कंपैरिजन बेस्ड जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको चीजों को कंपेयर करना है। इसमें जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है, जैसे पांच दोस्त हैं, सबकी अलग अलग लंबाई है, फिर सबके बारे में जानकारी देगा, वो इससे लंबा है, वह इससे छोटा है, वो इससे मान लो इससे छोटा है पर इससे छोटा नहीं है, देन आपको सबको आपस में क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, फिर एंड में डिसाइड करना होता है क्वेश्चन में क्या पूछा। अगर उसने पूछा सबसे लंबा कौन, तो आपको बता दोगे सबसे लंबा कौन, सबसे छोटा कौन, तो आप बता दोगे सबसे छोटा कौन। ऐसे होता है क्लास में पांच स्टूडेंट हैं, सबके अलग अलग नंबर आए, उसके नंबर उससे ज्यादा है, उससे कम है, ऐसे करके जानकारी देगा, देन आपको सबको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको बस क्वेश्चन पूछेगा किसके नंबर सबसे ज्यादा है, किसके नंबर सबसे कम है, या मान लो राम से कम किस किसके नंबर है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में कुछ पढ़ाने का नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में केवल आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, और कंपैरिजन करने में आप लोग माहिर हो क्योंकि कंपैरिजन तो आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, कपड़ों के बीच में कंपैरिजन, कोई भी फोन ले रहे हो उसके बीच में कंपैरिजन, ठीक है, इंसानों के बीच में कंपैरिजन, कॉलेज टाइम में लड़कियों के बीच में कंपैरिजन, तो ध्यान रखना कंपैरिजन आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, तो कंपैरिजन करने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते कैसे हैं, ठीक है, चलो एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कंपैरिजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो कंपैरिजन से रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, देयर आर फाइव फ्रेंड्स, नाम दिया है शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश, मतलब हमने लिख लिया एस के एम ए और आर, ये पांच दोस्त हैं एस के एम और आर, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष एंड राकेश। शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव, बस कंपेयर करना आपस में, ठीक है, शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव, तो जो शैलेंद्र है वो किससे छोटा है, मैं नीचे जो लूंगा वो लूंगा शॉर्टेस्ट, नीचे जो आएगा मेरा क्या आएगा शॉर्टेस्ट, और ऊपर जो आएगा मेरा कौन आएगा टॉलेस्ट, ये मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, मेरा नीचे शॉर्टेस्ट रहेगा ऊपर टॉलेस्ट रहेगा। इन्होंने कहा शैलेंद्र इज, पढ़ लेते हैं, शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव, मतलब शैलेंद्र केशव से छोटा है, तो ये मान लेते हैं शैलेंद्र है, यहाँ पे शैलेंद्र है, और शैलेंद्र किससे छोटा है, केशव से छोटा है। अब मैंने ये दूर दूर क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर मान लो इनके बीच में कोई आए तो मैं उसको फिल कर पाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस रखा है, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर कोई मान लो अब केशव और शैलेंद्र के बीच में आया तो मैं फिल कर सकूँ, इसलिए मैं जगह छोड़ के चल रहा हूँ, और नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में कहा शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव, ठीक है, शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश, पर टॉलर है शैलेंद्र, किससे टॉलर है, राकेश से टॉलर है, तो मेरा थोड़ा चलो यहां लिख देता हूं शॉर्टेस्ट, तो बट टॉलर देन राकेश, ओके हो गया ये, तो शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश, हो गया इतना। माधव इज द टॉलेस्ट, जो माधव है वो कौन है, टॉलेस्ट है, ये मुझे दे रखा है, माधव इज द टॉलेस्ट, हो गया। आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव, जो आशीष है
वो थोड़ा सा छोटा, लिटिल शॉर्टर देन केशव। तो मतलब जो आशीष आएगा वो केशव के नीचे आएगा, आशीष कहाँ आएगा, केशव के नीचे आएगा। ठीक है, समझ गया मैंने जगह क्यों छोड़ी थी, क्योंकि मैंने यहाँ ए पुट कर लिया। आशीष जो है वो केशव से थोड़ा सा छोटा एंड लिटिल टॉलर देन शैलेंद्र, और शैलेंद्र से क्या है, थोड़ा लंबा है। तो एकदम सही है, केशव से छोटा है, शैलेंद्र से लंबा है। तो पूछा है हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन हो गया, राकेश। यही हो गया मेरा आंसर, था सिंपल क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, आपको बस इंफॉर्मेशन दी होगी, पांच दोस्त हैं, छह दोस्त हैं, कभी उनकी हाइट की इंफॉर्मेशन दी होगी, कभी उनकी सैलरी की इंफॉर्मेशन दी होगी, मतलब डाटा अलग अलग होता है और कुछ नहीं होता। मतलब पांच दोस्त देगा, छह दोस्त देगा, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगा, देन आप आपसे बस यही कुछ, उनको आपस में आपको कंपेयर करना होता है डाटा के अकॉर्डिंग, उनको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, देन आपको बस कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो ध्यान रखना कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन पर मैंने आपको एक हिंट के लिए छोटा सा क्वेश्चन करा दिया, वैसे इसकी भी नीड नहीं थी, बच्चे खुद से कर लेते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही है, मैंने आज की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चा अक्सर एग्जाम में गलती करता है, एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन की आपको हिंट दे दी कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन या ऑर्डर सीक्वेंस जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमको करना क्या होता है। ओके, अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अब आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा। टेस्ट सीरीज में ध्यान रखना आपको 60 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, 60 क्वेश्चन की, वो आपको सॉल्व करनी है। और नेक्स्ट क्लास मेरी टेस्ट सीरीज के ऊपर रहेगी। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, रैंक एंड रोज बेस्ड का कॉन्सेप्ट करा दिया, कंपेरिजन बेस्ड भी करा दिए, कुछ क्वेश्चन भी करा दिए। अब आपका काम है, मेरा काम हो गया खत्म, मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए, पहले कॉन्सेप्ट समझाया, देन आज चार क्वेश्चन करा दिए, कंपेरिजन बेस्ड के ऊपर भी एक क्वेश्चन करा दिया। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कुछ हिंट के लिए क्वेश्चंस भी करा दिए। ओके, देन अब मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अब आपका काम स्टार्ट होगा, आपको टेस्ट सीरीज को प्रॉपर ईमानदारी से सॉल्व करना है। देन उसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज के बाद किसकी वीडियो अपलोड करूंगा, एक सॉल्यूशंस की वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।